क्या बढ़िया नजारा लग रहा है यार, दोनों तरफ तिरंगे वाली लाइटें और साथ में क्या है ये एकदम शानदार पेड़, हरे भरे माहौल ही अलग लग रहा है, शानदार एकदम सुकून भरा। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, और सभी का नमस्कार, स्वागत है मेरे ब्लॉग के अंदर, सभी बड़ों को प्रणाम। कामकाज से फ्री हो गया हूँ, 7:20 हो रहे हैं और वही शर्ट जो कल पहन रखी थी सेम ऐसी मेरे पास में दो हैं, मतलब मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा लेकिन मैंने जो जो मेरे को प्रिंट इनका समझ में आता है ना सबकी दो दो मेरे पास में पड़ी है, करीब 5 या 6 तरीके की है। तो बस अब अपन शुरुआत कर रहे हैं आज के व्लॉग की और चल रहे हैं अपन वैशाली नगर की तरफ। ये कुछ काम चल रहा है रोड के बीचों बीच, इस वजह से क्या है कि ट्रैफिक जाम हो रखा है ये देखो, क्योंकि क्या है बीच में जब ऐसे काम वाम चालू होता है ना तो फिर लोगों को थोड़ी सी तकलीफ आती है, इसलिए क्या है जब भी ऐसे कुछ बड़े काम बीच में चालू करें चौराहे पे तो इसको जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए। और शर्ट के बारे में मैंने पहले से इसलिए बता दिया, मैंने कहा कभी कोई बाई चांस पूछ ले कि भैया तुम तो एक ही चीज़ पहनते रहते हो या एक चीज़ पहनने लगते हो, तो इसलिए बताना ज़रूरी है। बाकी ऐसा नहीं है, मैं एक एक चीज़ भी रिपीट में पहनता हूँ, मेरे को कपड़े ज़्यादा कोई खास खरीदने का शौक़ नहीं है, लेकिन अभी ये मेरे को थोड़ा सा ये ब्रांड समझ में आया तो मैंने इसकी प्रिंट के क्या जो जो प्रिंट मेरे को समझ में आई ना उसके एक एक और मैंने खरीद ली। मैंने कहा यार दूसरी प्रिंट समझ आया ना आए, फिर वो प्रिंट मान लो बाई चांस है ना दोबारा कंपनी निकालना बंद कर दे, तो इसलिए क्या है कि अपन ने ले ली है। और दूसरा बहुत तेज़ भूख लग रही है मेरे को, तो सबसे पहले मैं क्या है कि यहाँ पे इडली सांभर खाऊंगा क्योंकि घर पहुँचने में लगेगा टाइम, अभी अपन वैशाली नगर जा रहे हैं तो इसलिए क्या है कि पहले यहाँ पे मैं अपने एक साउथ इंडियन वाले हैं जो आपने पिछले ब्लॉग में भी देखे थे, मैं अभी फ़िलहाल सी स्कीम पहुँच गया हूँ तो पहले वहाँ से इडली सांभर एक आध प्लेट उतारते हैं, एक प्लेट ही उतारेंगे ज़्यादा नहीं, घर पर भी खाना खाना है, फिर उसके बाद में चलते हैं वैशाली नगर की तरफ। मैंने कहा यार इडली सांभर की जगह अपन दो अंडे का ऑमलेट खा लेते हैं, लेकिन भाई साहब के पास में बटर था नहीं तो मैंने कहा कि यार बटर मैं ला देता हूँ। अब यहाँ पे तो क्या है कहीं कोई डेयरी दिख नहीं रही, उन्होंने डेयरी बताई है कि बोले यार डेयरी है, इधर कोई डेयरी नहीं है आसपास में यार, कोई भी डेयरी नहीं है, पहले डेयरी दिखेगी फिर उससे बटर लूँगा फिर जाके ऑमलेट बनवाऊँगा। मैंने कहा यार कोई बात नहीं यार, उनका बेटा काम में लगा हुआ था ठीक है, तो उनके कस्टमर भी जो बटर वाले हैं वो भी जाएंगे, तो यार छोटा सा काम अगर किसी के लिए कर दें। मैंने गाड़ी उधर ही लगा दी, पैदल पैदल आ गया मैं गली के अंदर और काफ़ी अंदर तक पहुंच चुका हूं अभी तक मैं। ले लिए मैंने 7 बटर लिए अमूल के, क्योंकि ये जो भाई साहब हैं अमूल के बटर यूज़ करते हैं बढ़िया एकदम, और साथ में इन्होंने 1 किलो डालडा घी भी मंगवाया था, मैं आपको दिखा, ये अमूल के बटर 7 और ये डालडा घी है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, और बस यार अगले दिन की शाम हो गई है, मैं अपने कामकाज से फ्री होकर के घर पे आ गया हूँ और लास्ट फुटेज आपने देखी होगी रात की, लेकिन अब अगला दिन ऐसे आ गया है, मैं आपको कारण बताता हूँ, क्योंकि क्या है कि मेरे को घर वालों ने कल फ़ोन करके रात को बुला लिया था कि बोले यार दादा दादी जी आ गए हैं कोटा से, गेस्ट आए हैं तो तू आ जा, इस वजह से क्या है जो जगह मैं आपको दिखाने जाने वाला था ना यार वो मैं दिखा नहीं पाया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं आपको दिखा दूँगा तो आपको पता चल जाएगा किस जगह मैं जा रहा था। अभी क्या है फिलहाल है ना दादी जी के साथ में निकल रहे हैं जयंती मार्केट, जयंती बाज़ार, जो कि मैंने आपको MI रोड वाली ब्लॉक के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में गली दिखाई थी ना जो 5:32 से जस्ट पहले लेफ्ट में थी, बस वही जगह है ना जा रहे हैं क्योंकि कुछ खरीदारी करनी है, तो उसी के साथ साथ आपको जयंती मार्केट भी दिखा देंगे। और निकलने से पहले सूर्य देवता को प्रणाम कर लेते हैं, देखिए कितना खूबसूरत सनसेट हो रहा है। मेरे को यूं कह दी, इसको बुखार चढ़ रहा है 2 दिन से, तो अभी उसके कंधे पे हाथ रखा, कोई बात नहीं दादी, कोई बात नहीं, मेरे थोड़ चढ़ जाएगा उस, क्यों तेरे क्यों नहीं चढ़ जाए, कुछ हो सक मना कर रोक लेगा तू, हम कोरोना में लोगों के एकदम पास चले गए, जब लोग बोले तो मरी मरी जाएंगे, हाँ तो मरने वाले मरे है हमारे सिंधी चारों, जिसको जाना था वो ही गए, बस ये बात है, जबरदस्ती कोई नहीं गया दादी, तो सब बस। तो जी रीच जयंती मार्केट और बस दादी उतर करके निकल ली है, मैंने भी बस गाड़ी पार्क करी और मैं भी अंदर जा रहा हूँ दादी के पास। ये चारों तरफ आप लोगों को जो इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट दिख रहा है ना, ये प्रॉपर पूरा का पूरा जयंती मार्केट है, और जयंती मार्केट अच्छे से है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत फेमस है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, क्योंकि आपको किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक्स होना मोबाइल से लेकर कूलर AC पंखा कुछ भी XYZ आपको सब चीज़ें मिलेंगी। हमारी दादी जी यार बारगेन है ना बहुत अच्छा करती हैं, अब क्या है कि वो ये बोल रही हैं कि यार गाड़ी की डिक्की में डाल के लेके चलो, और मुझे लगता नहीं है कि गाड़ी की डिक्की में आएगा, एक बार मैं पहले डिक्की का नाप ले लूँ यार कि डिक्की की इंच विंच और कितना कैसे सिस्टम इसका बैठ रहा है। और सिम्फनी का कूलर हमने देखा था यार, सिम्फनी क्या है कि कूलरों के अंदर काफ़ी पहले से कंपनी आ रही है, घर में वैसे 3 AC हैं लेकिन क्या है कि एक गेस्ट के मतलब एक रूम जो है जिसके अंदर गेस्ट वगैरह आते जाते हैं तो सबको क्या है कि AC समझ आता नहीं है, जैसे कि मेरे को खुद को AC सूट नहीं करता, तो इसलिए अपन एक रूम कूलर टाइप का लेने के लिए आ गए थे। बट अब जितना मेरे को देखने में पता लगा है गाड़ी के डिक्की के अंदर का जो ऐसे जो है हाइट वो है 18.5, मतलब 18.5 तो अपने को जो विड्थ है कूलर की वो लेनी पड़ेगी, देखते हैं इसके अंदर है या नहीं है, चौड़ाई फिर भी अच्छी खासी है क्योंकि फीएट लीनिया लेकर के मैं आया हूँ, तब जाकर के कूलर का देख लेते हैं कि क्या उसका साइज़ है, क्योंकि उसका साइज़
जो वेंट का है ना, वेंट का साइज करीब करीब उसका 18 है ना। अब उसकी जो साइड से चौड़ाई है कि वो अंदर जा पाएगा नहीं जा पाएगा, क्योंकि डिक्की वैसे तो अच्छी है लेकिन ऐसे जो है ना वो करीब करीब 18.5 या 18 के अंदर अंदर आ रही है। तो देखते हैं एक बार। दादी जी हमारी ग्रेट हैं यार, उन्होंने 1000 रुपये से चालू होकर के बार्गेन करवाते करवाते और 1500 रुपये कम करवा दिए हैं यार। बहुत ही सही रेट पे अब है ना अपना जो कूलर है वो आ चुका है। और बस अब मैं गाड़ी को घुमा करके, क्योंकि क्या है आगे उनकी दुकान तक लेकर के जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं अपन कूलर रखते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी मैंने गाड़ी लगा रखी है यहाँ पे, देखो ये जीवन विहार कॉम्प्लेक्स है, ये काफ़ी पुराना कॉम्प्लेक्स है यार, बहुत ज़्यादा पुराना। ये रोड है ना सीधे है ना सामने है ना 5 बत्ती से आ रही है इधर की तरफ, सामने जो आपको चौराहा दिखेगा ना यहाँ पे इस रोड पे निकलते ही वो रहा सामने चौराहा, वो है 5 बत्ती चौराहा। यहाँ पे जीवन विहार से पर गाड़ी उतार के पार्किंग में से और दुकान के सामने लेकर के चलते हैं, तो दुकान के आगे लगाएंगे और फिर उसके बाद में क्या है कूलर सीधा अपनी डिक्की में आ जाएगा बढ़िया एकदम। जयंती मार्केट के पीछे वाली रोड में लेके चल रहे हैं अपन ये, इससे क्या है आपको मार्केट का थोड़ा वाइड एंगल व्यू भी मिल जाएगा मेरे कैमरे से। यहीं पे लगा देता हूँ यार, ये बेस्ट जगह लग रही है मेरे को अभी तो फिलहाल, दबा के लगा देते हैं दो। ये जो इसको वीरेंद्र पर निकालना, हल्का है बहुत, तेरे को दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा लग रहा है बस तेरे को बड़ा है। गेट इतना ही खुलेगा। तो जी ये कूलर लिया है हमने रूम के लिए, कूलर तो यार देखो, लेकिन अभी भी इसके नीचे क्या है हमें कुछ लगाना पड़ेगा, क्यों इसको हम लोग यार बाहर रखेंगे, क्योंकि रूम के बाहर रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्या है रूम्स वगैरह में एसी है, लेकिन ये वाला इसलिए आया है जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जिन लोगों को मान लीजिए कि एसी वगैरह नहीं चाहिए तो यार उनके लिए ठीक है कि कोई भी गेस्ट आता है ना तो, क्योंकि पैर में अकड़न हो जाती है कुछ भी, और मुझे खुद को जैसे आप लोग जानते हैं कि मुझे एसी नहीं पसंद है, तो इस वजह से हमने इसको परचेज़ किया है।